हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, फाइनली इंसॉर्ट एप्लीकेशन का न्यू अपडेट आ चुका है। अपडेट में तीन ऐसा न्यू नेक्स्ट लेवल फीचर भी आया है, जिससे हम लोग का वीडियो और भी नेक्स्ट लेवल एडिटिंग हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, और इंसॉर्ट एप्लीकेशन में जो जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये तीनों अपडेट से। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। एंड इस वीडियो में हम बताएंगे इंसॉर्ट एप्लीकेशन का न्यू अपडेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो सबसे पहले आपको इंसॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देन यहाँ पे अगर हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम फोटो एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वीडियो एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को ऐड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो को ऐड कर लिया, कुछ इस तरह से वीडियो है। ठीक है, देन यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को जो रेशियो आपको चेंज करना है। सो वीडियो के रेशियो चेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो सबसे पहले आपको वीडियो को जो रेशियो यहाँ पे चेंज करना है, तो आपको मर्जी जो रेशियो आपको रखना है उस रेशियो में रख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो का जो रेशियो हम 9:16 वाले रेशियो में कर लेता हूँ, देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। सो देख सकते हो वीडियो का जो रेशियो यहाँ पे 9:16 वाला रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हूँ, तो सबसे पहले कर लेना है। एंड यहाँ पे पहला जो अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो पहला अपडेट आया है फिल्टर वाला ऑप्शन में आया है, तो सबसे पहले हम फिल्टर वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं फिल्टर के बगल में देख सकते हैं यहाँ पे AI इफेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे पहला जो अपडेट आया है देख सकते हैं ये वाला आया है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, लाइन, क्लोन एंड स्टाइल। तो लाइन वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लाइन में देख सकते हो कुछ इस तरह से वीडियो के ऊपर इस तरह से लाइन आ जाएगा। देन यहाँ पे डबल लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे डबल वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर वाला भी मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे न्यून वाला इफेक्ट मिलेगा, अगर आपको फायर वाला इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे फायर वाला इफेक्ट भी मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के ऊपर कुछ इस तरह से। फायर का अगर आप फायर का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड अब बात करते हैं क्लोन वाला इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्लोन वाला इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे शेडो, यहाँ पे देख सकते हो मोशन, यहाँ पे कलर कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाला अपडेट आ चुका है इफेक्ट में। एंड अब बात करते हैं स्टाइल वाला ऑप्शन में, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से स्टाइल वाला यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल वाला ऑप्शन में ही सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। ये सब अगर आप फिल्टर यूज करते हो और इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी आप पोस्ट करते हो तो आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो सकता है, क्योंकि ये अभी न्यू है। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ ऐड करते हो वीडियो में, एकदम 100% आपका वीडियो वायरल हो सकता है। देन यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना। एंड अब मैं बात करता हूँ सेकेंड अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्प्लिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो वीडियो दो डिवाइड में यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं एक व्हाइट वाला एक एरो मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये एरो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जो बेसिक वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे सुपर में भी सेम है, ग्लिच में भी सेम है, फिल्म में भी सेम है। देन यहाँ पे नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे रिप्ड पेपर वाला यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हो वीडियो में कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड अब थर्ड नंबर वाला जो अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो ऊपर में टूल्स है, थोड़ा इसको स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन वाला एक इफेक्ट मिलेगा न्यू। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे न्यू यहाँ पे ऐड हुआ है एनिमेशन, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, यहाँ पे कॉम्बो एनिमेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला एनिमेशन पे एनिमेशन ऐड देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो यहाँ पे फीड है, फीड के ऊपर टच करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से फीड आ चुका है वीडियो के ऊपर। ठीक है, एंड यहाँ पे जूम इन वाला इफेक्ट देख सकते हैं ऐड हो चुका है, जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पे स्लाइड आर, स्लाइड एल देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड डी, ठीक है, स्लाइड यू,
कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आउट यहाँ पे आउट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर टच करता हूँ। जैसे टच करते हैं यहाँ पे फीड देख सकते हैं जूम आउट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देन यहाँ पे कॉम्बो वाला ऑप्शन में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला। तो ये जो थ्रो एनिमेशन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो में देखे होंगे आप। ठीक है, ये वाला एनिमेशन थ्रो एनिमेशन, तो इसको अप्लाई करते हैं इस तरह से, देख सकते हो कुछ इस तरह से एनिमेशन मेरे वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। सो इस वीडियो में हम तीनों अपडेट के बारे में बता दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, तीनों अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। सो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।